अस्सलामु अलैकुम क्लास, होप एवरी वन इज़ फाइन एंड डूइंग वेल। टुडे द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिट डिस्टेंस टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जब हम किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाते हैं और इसे इन्फिनिट डिस्टेंस से किसी फाइनाइट पॉइंट तक ले के आते हैं या दूसरे चार्ज की फील्ड के अंदर ले के आएंगे, तो उसके लिए हमें उस चार्ज के ऊपर वर्क डन करना होगा। लेट्स सपोज, यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास सेम पोलैरिटी के चार्जेस हैं, या तो हम पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लें या तो फिर हम नेगेटिव नेगेटिव चार्ज कंसीडर कर लें। जब हम एक चार्ज को दूसरे चार्ज की फील्ड के अंदर ले के आएंगे तो ऑब्वियसली इनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, तो एक चार्ज दूसरे चार्ज को रिपेल करेगा। लेकिन हमने क्या करना है, एक चार्ज को दूसरे चार्ज की फील्ड के अंदर ले के आना है और उसके ऊपर इस चार्ज के ऊपर वर्क डन करना है, और ये जो वर्क डन होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वी इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू, वेयर डब्ल्यू इज़ द वर्क डन, क्यू इज़ द चार्ज एंड वी इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसके यूनिट्स होते हैं जौल पर कूलम और वोल्ट। स्टूडेंट, नेक्स्ट हम डिफाइन कर लेते हैं वोल्ट को। वोल्ट को हम डिफाइन करें तो वन वोल्ट इक्वल आता है वन जौल पर वन कूलम के, यानी कि अगर हम क्या करें, वन जौल वर्क डन परफॉर्म करें टू ब्रिंग अ वन कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिट पोटेंशियल टू इन साइड द फील्ड, तो तब जो वर्क डन होगा वो हमारे पास वन वोल्ट की इक्वल आएगा। इसके बाद है नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर होता है लेकिन उनकी डायरेक्शन कोई नहीं होती। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ डिफाइंड एवरीवेयर इन द स्पेस एज अ वैल्यू बट इट हैज़ नो डायरेक्शन, सो वी से दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज़ डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सर्टेन पॉइंट इन साइड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जब हम एक चार्ज को दूसरे चार्ज की फील्ड के अंदर लेके आते हैं या उसे इन्फिनिट डिस्टेंस से मूव करवाते हैं किसी भी दूसरे चार्ज की फील्ड के अंदर, तो इसके लिए हमें वर्क डन रिक्वायर होता है, और यही वर्क डन जो है उस बॉडी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं यू से, सो डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। माइनस साइन यहाँ पे इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि हम अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहे हैं। स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज नेगेटिव वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स टू मूव यूनिट टेस्ट चार्ज विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट। यानी कि जब इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से वर्क डन होता है किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर और एक चार्ज जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करता है, तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमेशा दो पॉइंट्स के इन बिटवीन होता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू होती है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है, डिपेंड करता है चार्ज की मैग्नीट्यूड के ऊपर। स्टूडेंट, इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो चार्ज प्लेट हैं, प्लेट ए एंड प्लेट बी। प्लेट ए इज़ नेगेटिवली चार्ज प्लेट एंड प्लेट बी इज़ पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है इसको हमने मूव करवाना है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे देखें, ये जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, प्लेट बी जो है वो इसको रिपेल कर रही है, लेकिन प्लेट ए इसको क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। अब हमने क्या करना है, इस चार्ज को मूव करवाना है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इन दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो इक्वल होगा डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू अपॉन क्यू। सपोज कर लेते हैं जो प्लेट ए के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो वी आई है और जो प्लेट बी के ऊपर पोटेंशियल है वो वी एफ है, तो यहाँ से हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं जो कि इक्वल आएगा वी एफ माइनस वी आई के। वी एफ जो है वो इन्फिनिट डिस्टेंस पे है, सो वी एफ इक्वल्स टू ज़ीरो, और वी आई को हम सपोज कर लेते हैं वी, तो यहाँ पे वी एफ को ज़ीरो और वी आई को जब हम वी पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आएगी ज़ीरो माइनस वी इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू बाई क्यू। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आएगी डब्ल्यू अपॉन क्यू। स्टूडेंट, ये जो आपके पास वैल्यू आई है इसको आप जो है वो किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ वी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू।